नमस्ते श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी जो है वो मैं जलाने जा रही हूँ आग, और आज जो भी होगा वो खान पान जो हमारा पहाड़ियों का होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से हम जो पहाड़ी हैं वो बनाते हैं। देखो गैस पे भी मैं बनाती हूँ खाना, लेकिन चूल्हे पे जो खाना बनता है, जो लकड़ी जला के जो खाना बनता है, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गैस के खाने से कहीं ज़्यादा चूल्हे के खाने का जो स्वाद होता है ना, वो तो जो बनाते हैं उनको ही पता होता है। तो और एक बार जो जिनको ये लत पड़ जाए ना चूल्हे के खाने की, वो तो फिर बार बार इसकी डिमांड करेंगे। तो पहले मैं चला लेती हूँ आग। ये जला लूंगी मैं पहले आग। तो अभी जो है वो आग जल चुकी है और फिर इसके ऊपर जो है वो खाना बनाना शुरू कर दूंगी। तो मैं तो ये आग भी जल गई है, और अभी जो है वो ये मैंने प्याज काट लिया थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, और ये लहसुन की गठियां, और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा ये जीरा डाल दूंगी। मेरा बिल्कुल पहाड़ी मतलब देसी जो खाना बनता है ना, उस तरीके से बना रही हूँ। जैसे ये प्याज वगैरह ये तो मिक्सी में भी हो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन जो चूल्हे में बनाऊंगी और इस तरह से इसको डंडा पुंडी से जो इसको कूटूंगी अच्छी तरह से, तो इसका टेस्ट तभी अच्छा बनेगा। मतलब ये इतना पतला नहीं होता है ना डंडा पुंडी से, ये रहता है थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है। ऐसे मिक्सी में करें ना इसको, तो मिक्सी में फिर या फिर चॉपर में करें तो बिल्कुल बारीक हो जाता है। चॉपर में भी अच्छा होता है वैसे, पर मिक्सी में तो फिर वो दूसरा बिल्कुल पतला ही हो जाता है, वो लिक्विड से बन जाता है ये प्याज वगैरह। तो बस अब इसको इस तरह से डंडा कुंडी से करूंगी मैं, थोड़ा मोटा मोटा ही करूंगी, बड़ा बारीक नहीं इसको कूटूंगी। तो अब जो है वो मैं ये कढ़ाई रख दूंगी, ये सरसों का तेल ऐसे। अब इसको जो है वो गर्म होने दूंगी अच्छे से इस तरह से। और ये भी मैंने ये देखो आप, ये प्याज लहसुन और जीरा, और अभी जो है वो हरी मिर्च इसमें डाल दी है छोटी छोटी करके। तो इसको जो है वो मैं फिर से दोबारा इसको कूट लूंगी अच्छे से हरी मिर्च को भी, और तब तक जो है वो मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा कढ़ाई में। तो ये देखो आप ना, और अब जो है वो मैं ये जो मैंने प्याज किया ना इसमें ये डाल दूंगी अब। ब्राउन होने दूंगी, और तब तक जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी ये रंग वाली जो होती है ना लाल मिर्च, ये डाल दूंगी थोड़ी सी ये हल्दी, और थोड़ा सा ये नमक तो पहले पहले डाल दिया था। मिर्च कुछ डाल दी है मैंने पहले हरी, और कुछ जो है वो थोड़ी सी अभी डाल दूंगी, और गरम मसाला भी अभी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, ये घर का पीसा हुआ है, मैंने खुद ही पीसा था ये। तो ये हो गया, और अब जो है वो मैं दाल दूंगी इसमें। आज बनाइए चने की दाल, पीली दाल चने की। तो अब जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी, इसको थोड़ी देर जो है वो ऐसे ही पकने दूंगी। पक तो पहले ही गई थी, लेकिन तड़का जो लगाया है इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स होने दूंगी, अच्छी तरह से मिलने दूंगी। उसके बाद जो है वो इसको उठा दूंगी, फिर लगाऊंगी मैं चपातियां। और जब तक ये होगी तो तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा। दाल बन गई है, ये होगी, और अब मैं इसको दे देती हूँ ढक्कन।
कर लेती हूँ साइड में और लग पड़ती हूँ चपातियाँ बनाने। तो इसको रख देती हूँ मैं पहले गैस पे। ये यहाँ पे ना मेरा आटा भी हो गया। अब मेरा खाना तैयार है। ये दाल बन गई है मेरी, ये देखो आप। और ये लगा दी मैंने थाली खुद को, ये चपातियाँ रख दी जो चूल्हे पे बनी है अभी, और ये है घी की सब्जी, और ये दाल जो अभी बनाई, और ये प्याज, और ये अचार। तो ये देखिए आप, ये होगी मेरी थाली तैयार। तो आइए आप भी कर लो डिनर। तो इस तरह से बस अब मैं इसको खाऊंगी, ये मेरी थाली तैयार हो गई है। और अभी वो थोड़ा सा लेट आएंगे, तो जब वो आएंगे तब उनको दे दूंगी, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोर की भूख। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हम पहाड़ी लोग जो हैं वो चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चूल्हे पर बना खाना जो है उसका तो टेस्ट ही लाजवाब होता है। और कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर ये वीडियो मेरे देखो मैक्स को लगता है फिर से भौंकने बार। तो फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सपोर्ट करें, और जो नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे जी।